आज जो नियोजित शिक्षक बिहार के हैं उसमें 30% शिक्षक, चूंकि सीएल 30% ही ले सकते हैं, तो 30% शिक्षक जो हैं वो छुट्टी लेकर के स्कूल से आज पटना में आंदोलन में आए हुए हैं। मांग बहुत साफ है कि सभी नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, कोई इफ बट ना हो, कोई परीक्षा की बात ना हो, क्योंकि परीक्षा से आप क्वालिटी को ठीक नहीं कर सकते। जब तक कि आप परीक्षा में छंटनी ना करें, तो सरकार तो ये कह रही है कि बीपीएससी में जो फेल कर जाएंगे वो दोबारा से उसी स्कूल में पढ़ाते रह जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है क्वालिटी के ऊपर। तो आप कर क्या रहे हैं? असल में दर्द पेट में है और इलाज माथे का किया जा रहा है, सर दर्द का इलाज किया जा रहा है। परमिशन लेकर ये दर्दनीबाग में शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और सरकार ने परमिशन दिया। अगर उतर रहे हैं तो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब चूंकि 4 लाख लोग हैं, उसमें से अगर 1 लाख भी लोग आ रहे हैं, हम जा रहे हैं उसके आंदोलन में बड़ी सभी नियोजित शिक्षकों को प्रशासन सरकार काम करेंगे, उनका नियोजन सरकार का है, आंदोलन करना हम लोग, वो सरकार के काम कर रहे हैं, सरकार उनको पेमेंट देती है, सरकार की नियमावली से वो चलते हैं, सरकार उनको दंड दे सकती है, तो सरकार अपना कर्मी कह दे उसको, इसमें कौन बड़ी बात है, कहना ही चाहिए। बात हुई है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और 14 तारीख के बाद इसमें मामले में मीटिंग होगी।